बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सरीन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आज बात होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की, क्योंकि उन्होंने अभी एक बयान दिया और उसमें ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राइट्स जो हैं वो लैंड प्रोटेक्ट किए जाएंगे बट सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। तो एक और बयान आया है और उस पर भी जम्मू चिंतित हो गए हैं कि डोमिसाइल की बात तो हर कोई कर रहा है, ये कह भी रहा है कि लैंड राइट्स और जॉब राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं डोमिसाइल मिलेगा तो मिलेगा कब तक। और गवर्नर का ये कहना कि सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस, आखिर वो एक्सेप्शंस होंगे कौन, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट नहीं की जाएंगी। जानते हैं 370 की डायलूशन के बाद से जिससे भी बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर पूर्व मंत्री क्यों ना हो, उनका भी यही कहना है कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल जब तक जम्मू कश्मीर एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है और साथ ही में जब तक जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं हो जाता, तब तक बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लैंड राइट्स एंड जॉब राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन हमने पहले भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से खबर चलाई बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सूत्रों ने यह कहा है कि लैंड राइट्स जम्मू कश्मीर में प्रोटेक्ट किए तो जाएंगे, लेकिन केवल एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि डोमिसाइल अगर जम्मू कश्मीर में होगा तो वो हिमाचल प्रदेश जैसा डोमिसाइल नहीं होगा, और अगर जॉब राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जॉब राइट्स प्रोटेक्शन की बात जरूर चल रही है, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर से सुनने को मिल रहा है कि जो जॉब राइट्स की प्रोटेक्शन होगी वो केवल लो लेवल जॉब्स में होगी, हाई लेवल जॉब्स के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को पैन इंडिया बेसिस पर कम्पीट करना ही पड़ेगा। तो साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये भी कहा कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोकल्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लैंड राइट्स का एंड जॉब राइट्स का ख्याल जरूर रखा जाएगा, बट बार बार उन्होंने ये कहा कि सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। तो लोग अब ये जानना चाहते हैं कि एक्सेप्शंस आखिर क्या होंगी, क्या वही एक्सेप्शंस होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि जो टॉप लेवल की जॉब्स है उनमें जो है जम्मू कश्मीर के जो लोकल्स हैं उनके डोमिसाइल वैलिड नहीं होगा, केवल लो पेइंग जॉब्स में होगा। साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत है कि लैंड राइट्स अगर प्रोटेक्ट होंगी तो क्या सच में केवल एग्रीकल्चरल लैंड ही प्रोटेक्ट होगी, क्या ये सब है सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। साथ ही साथ गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये भी कहा कि पिछले 18 महीनों में 1000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर में कंप्लीट कर दिए गए हैं। ऐसा बड़ा बयान तो उन्होंने दिया, अब जानने की ये कोशिश करनी चाहिए कि वो 1000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से थे, क्या वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि जम्बू जू, जैसे कि तवी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे या ये वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कहीं पर आपने ब्रिज का काम पूरा कर दिया या कहीं पर सड़क की ब्लैक टॉपिंग कर दी, ये सारे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो 1000 प्रोजेक्ट्स आपने पिछले 18 महीनों में कंप्लीट कर दिए। और क्या इसलिए कंप्लीट किए कि जब केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आए तो इनॉग्रेशन करने के लिए उनके पास कुछ हो, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि जल मंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ई इनॉग्रेशन की 42 वाटर सप्लाई स्कीम्स की, और वो वाटर सप्लाई स्कीम्स क्या थी कि घर घर में लोगों को पानी मिले। तो ये क्या वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं 1000 प्रोजेक्ट्स की, 42 वाटर स्कीम्स आपने लॉन्च की तो उन्हें 42 प्रोजेक्ट्स कंसीडर किया जाएगा, क्या इस तरीके के 1000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में कंप्लीट हुए हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आज की ये है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के ऊपर हर कोई बयान दे रहा है, हर कोई कह रहा है डोमिसाइल मिलना चाहिए, डोमिसाइल मिलेगा, डोमिसाइल के ऊपर बातचीत हो रही है, डोमिसाइल के बारे में सोच विचार हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डोमिसाइल जरूरी है, डोमिसाइल मिलेगा तो वो केवल कुछ चीजों में मिलेगा, बाकी चीजों को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि फिर आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने का फायदा ही क्या अगर हर चीज में फिर उसी तरीके की रिजर्वेशन हो जिस तरह की पहले थी। अगर 100% स्टेट जॉब्स में रिजर्वेशन मिल जाती है तो आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने का फायदा ही क्या, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है जो 370 डाइल्यूट करने के हक में थे। लेकिन जो लोग आर्टिकल 370 डाइल्यूट करने के हक में थे उनमें से कुछ ऐसी तादाद भी लोगों की है जिनका ये कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से टेररिज्म फ्री नहीं हो जाता, जब तक हमारे बॉर्डर्स इतने सिक्योर नहीं हो जाते कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को गोलाबारी का डर ना हो, बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो हैं वो इंडिया भर के लोगों से कम्पीट कर सकें, उन स्टूडेंट से कम्पीट कर सकें जो दिल्ली, बॉम्बे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठकर 24 घंटे वाईफाई एक्सेस करते हैं,
जब तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन का सिलसिला खत्म ना हो जाए तब तक जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें डोमिसाइल मिले। तो अब देखना यह है कि एक और बयान गिरीश चंद्र मुर्मू ने दे दिया है कि सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशन के साथ, यानी कुछ चीजों में डोमिसाइल मिलेगा, कुछ चीजों में नहीं, कुछ चीजों में वो वैलिड होगा, कुछ चीजों में नहीं, ऐसा उन्होंने कह तो दिया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी कहीं ज्यादा बयान देते थे, लेकिन जब तक वो गोवा चले गए उससे पहले उनकी छवि जम्मू कश्मीर में ऐसी हो गई थी कि अब वो कोई भी बयान देते थे तो लोग मानते नहीं थे कि ये बयान सच है। लोगों को लगता था कि ये कह तो रहे हैं लेकिन इन पे हमें भरोसा नहीं है। ऐसा अगेन मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि आपको याद होगा गवर्नर सत्यपाल मलिक 370 की डायल्यूशन के एक दिन पहले तक ये कहते रहे थे कि नहीं 370 के ऊपर कोई फैसला नहीं होने वाला है, नहीं 370 को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। इसके चलते जम्मू कश्मीर में लोगों में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब देखना यह है कि डोमिसाइल के ऊपर हर कोई बात तो कर रहा है, हर कोई बयान तो दे रहा है, लेकिन ये डोमिसाइल किस तरीके का डोमिसाइल होगा और कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा।